मैं वही जेतारण हूँ, आज भी वही जेतारण हूँ, पहले भी वही जेतारण था, लेकिन पहले और आज में बहुत अंतर है। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले और आज में बहुत अंतर है। अब मैं जो जेतारण हूँ वो पूरी तरह से खामोश हूँ। मेरी गलियाँ वीरान हैं, मेरे चौराहे सुनसान हैं, हर जगह सन्नाटा है, अघोषित कर्फ्यू है, पूरे शहर में खामोशी है और हर जगह पुलिस का पहरा है। लोग अपने घरों में हैं, लोग अज्ञात भय से ग्रसित है, लोग अपने घरों में हैं। दिखने के नाम पर यहाँ कोई नहीं है, सुनसान है, सन्नाटा पसरा है, सिवाय पुलिस की कदम ताल, पुलिस की गाड़ियाँ इत्यादि है। मैं वही जेतारण हूँ जहाँ कुछ दिन पहले मेरे इस जेतारण में हजारों लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन आज हालत ने ऐसा मजबूर कर दिया कि मुझे वीरानी की चादर ओढ़नी पड़ी। मैं वही जेतारण हूँ। मेरे से इस जेतारण से होकर बहुत सारे मार्ग निकलते हैं, लेकिन आज उन मार्गों पर पूरी तरह से पुलिस का पहरा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उन मार्गों पे पुलिस का सख्त पहरा है। मैं वही जेतारण हूँ जिसका नाम न केवल राजस्थान बल्कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं जेतारण हूँ, आप सही सुन रहे हो, मैं जेतारण हूँ। जेतारण में गंगा जमुना की तेजी हमेशा बहती थी। हालांकि इस शहर में ये सन्नाटा कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार का जो सन्नाटा है वो वाकई में चिंताजनक वाला सन्नाटा है। ऐसा नहीं कि ये जेतारण शहर कभी खामोश नहीं हुआ, बहुत बार खामोश हुआ, लेकिन इस लंबी खामोशी की जो चादर ओढ़ी है उसे देखकर मैं खुद अपने आप में खामोश हूँ। मैं जेतारण हूँ। आप देख रहे हो, मैं जेतारण हूँ। जेतारण शहर का कमावेश ऐसे ही हालात है, पूरी तरह से खामोश है। मैं जेतारण हूँ और जेतारण रहूँगा। जेतारण न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतारण का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। देश में लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन की स्थिति में कमावेश जेतारण के भी हालात यही है। मैं इस समय ठीक जेतारण के प्राचीन पुलिस थाने के ठीक सामने हूँ, जहाँ आप देख सकते हो कि इस इलाके में कई दिन पहले चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण पूरा ये इलाका सुनसान है। मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे ये जामा मस्जिद है, एल अदीस जामा मस्जिद है, ये पुलिस थाना रोड है जो लगभग हमेशा आबाद रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज पूरी तरह से वीरान है। मेरे ठीक सामने माली सैनी समाज का ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और ठीक सामने ये मार्ग है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से आज वीरान है। पूरा शहर खामोश है, हर दुकान बंद है, हर गली मोहल्ले में कमावेश ऐसी वीरानी छाई हुई है। मेरे ठीक सामने पोखरना की पोल है और ये पुलिस थाना मार्ग से ही शहर का प्रवेश है, इस मार्ग से ही कमावेश पूरा शहर आपको नज़र आएगा। ठीक मेरे सामने ऐतिहासिक गणेश जी महाराज का मंदिर है जो पुलिस थाने के मुख्य द्वार के ठीक सामने है, लेकिन पिछले कई दिनों से इस मंदिर में भी घंटियाँ नहीं बज रही है। दरअसल सरकार एवं शासन प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पर पाबंदी लगाने के बाद शायद इस मंदिर की भी घंटियाँ नहीं बजी। तो मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे जो जामा मस्जिद है, एल हदीस की जो जामा मस्जिद है, इस मस्जिद में भी न तो जुमे की नमाज हो रही है और न ही पंचवक्ता नमाज हो रही है। हालांकि नमाज होती है, लेकिन वो नमाज नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। यहाँ पर भी सरकार की पाबंदी है और पाबंदियों है जिस पर अमल भी किया जा रहा। मैं अब आपको आगे के नज़ारे बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। ठीक जेतारण के ऐतिहासिक झंडे के नीचे मुख्य सदर बाज़ार में हूँ, जहाँ लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये बाज़ार भी पूरी तरह से वीरान है। इस झंडे से होकर
शहर की सब्जी मंडी का मार्ग जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये इलाका भी पूरी तरह से सुनसान है। मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, बताना चाहूँगा, ये जैतारण शहर का सदर बाज़ार है, लेकिन पिछले कई दिनों से इस बाज़ार में भी चहलकदमी पूरी तरह से थमी हुई है, यानी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को लेकर अल सुबह 11 बजे तक नियमित रूप से जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें वो खुलती है, अलबत्ता जो अन्य दुकानें वो पूरी तरह से पिछले कई दिनों से इस तरह से ही बंद है। मैं अब आपको आगे के कुछ और नज़ारे बताऊंगा। मेरे उन तमाम चाहने वालों के लिए, खास तौर से उनके लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा, आप बने रहे हमारे साथ। मैं इस समय मुख्य सदर बाजार से गुजर रहा था तो मुझे लगा एक वृद्ध बादशाह बैठे हैं जो सहित गायों को चारा डालने के लिए बैठे और लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सहित अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखे हैं। मैं नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? रामदयाल नाम है। आप अकेले कैसे बैठे हो यहाँ? अकेले गायों के लिए। अच्छा, आप गायों को चारा डाल रहे हो। आपको पता है देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, आपको घर में रहना चाहिए था। ये जानकारी करने के लिए कि बाजार में कोई फालतू फिर तो नहीं रहे हैं, ये नींगे रखने के लिए हम बैठे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों को ये ताकीद करते हो कि आप अपने घरों में रहो, चूंकि आप वृद्ध हो और आपने बहुत समझदारी वाली बात कही। हाँ, इसलिए हम यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। आमतौर से देखा जाता है कि इस मार्केट में आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ मेरी तरह से लोग, युवा लोग ज्यादा बैठते हैं, शायद उनको मना करने के लिए भी आप बैठे हो। हाँ, ये बात है। और गायों को नियमित चारा डालते हो आप? हाँ, नियमित करते हैं, पूरे गाँव में डालते हैं चारों में, पूरे गाँव में। मेरा कहना है बादशाह, आप घर पे बैठे रहो, बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। आप सेवा करते हो और आप वृद्ध हो, आज आपकी बात मैं मानता हूँ और लोगों पर आपका अंकुश भी है, लोग आपका कहना भी मानते हैं, लेकिन आपको घर पे रहना चाहिए। हम सब दिन घर में रहते हैं, सब या आध घंटा 15-20 मिनट बैठते हैं, बाकी सब दिन घर पे रहते हैं। और घर में रहकर भजन करना चाहिए आपको? मैं भजन करके आ रहा हूँ और अब जब चाय पी के और आकर के फिर भजन करूंगा, और सुबह मैं भजन करके या भजन करके जाता हूँ और फिर खाना वगैरह खा के और फिर आके मतलब भजन करता हूँ। धन्यवाद। ये थे एक वृद्ध बादशाह जो बता रहे थे कि मैं बाजार में इसलिए बैठा हूँ कि कोई फालतू लोग जो अपने घरों से आकर यहाँ बाहर नहीं बैठ पाए, इस कारण से उन्हें युवाओं को रोकने के लिए यहाँ बैठे और सहित गायों को जो बेसारा पशु है उनके चारे की भी आपने सहित व्यवस्था की है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मैं ठीक जैतारण के भाटी चौराहे पर मौजूद हूँ जहाँ लॉकडाउन के कारण ये इलाका भी पूरी तरह से सुनसान है। आप देख पा रहे होंगे इस इलाके में भी पूरी तरह से खामोशी है। हालांकि नगरपालिका के जो सफाई कर्मचारी है ये अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे, मैं इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ। कमावेश इस प्रचंड गर्मी के इस मौसम में लगातार अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे। सेवा की बात की जाए तो पुलिस, चिकित्सा विभाग एवं नगरपालिका प्रशासन सहित कई ऐसे है सरकारी मुलाजिम जी जो लगातार अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे, मैं इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ। मैं अब आपको आगे की तस्वीर और बताऊँगा, आप हमारे साथ बने रहे। मैं ठीक जैतारण के सिपायान बड़ावास स्थित तकिया चौक में मौजूद हूँ जहाँ लॉकडाउन के कारण ये चौक भी पूरी तरह से वीरान है। अलबत्ता आम तौर से देखा जाता तो ये पूरा चौक युवाओं एवं वर्जनों की चहलकदमी हुआ करती थी। मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे ये बड़ावास की जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। यहाँ पर भी पिछले जब से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज दिन तक यहाँ जुम्मे की नमाज जो सरकार द्वारा पाबंदी आयत की गई है उस पाबंदी के तहत यहाँ जुम्मे की नमाज अदा नहीं होती है।
और पंच वक्ता नमाज है जो लोग अपने घरों में अदा करते हैं। अलबत्ता यहाँ अजान होती है, पंच वक्ता अजान होती है, लेकिन ये जो आप तकिया चौक देख रहे हो ये आम दिनों में हमेशा आबाद रहता था, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण आज ये पूरी तरह से खामोश है। लोगों में कोरोना महा संक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर है और ये जागरूकता होनी चाहिए। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये वो स्थान है जिस स्थान पर लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, लोगों का हुजूम लगा रहता था, लेकिन मोहल्लेवासी और जागरूक लोगों की समझिश के कारण आज लोग सब अपने घरों में कैद है और होना ही चाहिए। मेरा भी उन तमाम लोगों से आग्रह है कि वो कोरोना महासंक्रमण को लेकर जागरूक रहे और अपने घरों में रहे, बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें, बेहतर रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। मैं अब आपको आगे की तस्वीरें और बताऊंगा, जहां आप देखना कुछ नज़ारे हैं शहर के जो खास तौर से मेरे जो चाहने वाले उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। मैं इसमें ठीक जैतान की पोस कॉलोनियों में से एक गीता भवन इलाका कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ लॉकडाउन की स्थिति के कारण ये कॉलोनी भी पूरी तरह से वीरान है। आप देख सकते हो मेरे ठीक सामने जो ये सड़क जाती है, इस सड़क पर भी वीरानी का मंजर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। और मेरे ठीक सामने जो ये लोटती रोड जाती है कमावेश, इस रोड के भी यही हालात है। और ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे ये गीता भवन है, जो ऐतिहासिक मंदिर है, गीता भवन आश्रम है, उस आश्रम के भी हालात कमावेश यही है, पूरी तरह से वीरानी है। इक्का दुक्का कोई लोग जो ज़रूरत के लोग हैं, ज़रूरत के लिहाज से ही अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अलबत्ता ना तो यहाँ कोई पुलिस का पहरा है, ना ही कोई सख्ती है, बावजूद इसके लोग स्वयं अब इसे कोरोना महासंक्रमण को लेकर अपने घरों में कैद है। सरकार एवं शासन प्रशासन के जो गाइडलाइंस जारी की, उस गाइडलाइन का नियमों का पालन करें। मेरे ठीक सामने ये अस्पताल मार्ग जाता है, लेकिन इस रोड के ही कमावेश यही हाल है, ये भी पूरी तरह से वीरान है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन एवं कोरोना महासंक्रमण को लेकर लोगों में जो जागृति आई है, ऐसी जागृति आनी चाहिए। और मेरी ओर से तमाम जितने भी ये वीडियो देखने वाले हैं उनसे हिदायत है कि आप लॉकडाउन नियमों का सख्ती के साथ पालन करें, और जितने दिन आप घर में रहें कम से कम उतने दिन आपको और घर में रहना होगा, तब जाकर हम इस कोरोना महासंक्रमण की लड़ाई को जीत पाएंगे। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊँगा, आप हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। मैं जैतान शहर के लखोटिया चौक में मौजूद हूँ, जहाँ लॉकडाउन के कारण कमावेश, इस इलाके में भी लॉकडाउन के कारण पूरा ये इलाका सुनसान है, पूरे इलाके में वीरानी है। और मेरे ठीक सामने ये गोपाल द्वारा मार्ग जाता है, लेकिन इस मार्ग के भी कमावेश यही हाल है, पूरी तरह से बंद है, लोग अपने घरों में कैद है। बड़े बड़े जो मकान है जिनके दरवाजे पे खामोशी की चादरें हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे ठीक सामने एक जो शानदार इमारत बनी हुई है, लोग इनमें कैद है, कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक सामने ये मुख्य सदर बाज़ार जाने वाला मार्ग है, जो लखोटिया चौक से सीधा सदर बाज़ार जाता है, लेकिन ये गलियाँ भी वीरान है, ये मोहल्ला पूरी तरह से वीरान है। अब मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊँगा, आप हमारे साथ बने रहे। मैं इस समय जैतान शहर के अति व्यस्त इलाका माने जाने वाले, यानी लोगों की आम दिनों में रेलवे एम्पेल लगी रहने वाले डोसीवाड़ा मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हो कि लॉकडाउन के कारण इस बाज़ार में भी पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ जो मकान है, जो दुकान है, पूरी तरह से बंद है, लोग अपने आपको अपने घरों में कैद रख रहे हैं, अपने घरों में ही अपने आप को कैद रख रहे हैं। लगातार सरकार एवं शासन एवं प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन का ये लोग नियमों का पूरी तरह से पालन करें। मेरे ठीक सामने ये सामने जो सब्जी मंडी का मार्ग जाता है कमावेश, इस मार्ग के यही हालात है, पूरी तरह से बंद है, लोग अब पुलिस की सख्ती से नहीं बल्कि कोरोना से घबरा कर अब अपने घरों में सुरक्षित कैद है और होना भी चाहिए। मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, बने रहे हमारे साथ। मैं ठीक इमली बाज़ार के बाज़ार में हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये बाज़ार भी लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से खामोश है। मेरे ठीक सामने जामा मस्जिद है, लेकिन इस जामा मस्जिद में भी जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है, जब से लगाकर आज दिन तक यहाँ जुम्मे की नमाज नहीं हो पा रही है, यानी कि शासन एवं प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
पंचवक्ता नमाज यहाँ होती है, लेकिन अब सरकार की ओर से जो आदेश आया उस आदेश की पालना के तहत केवल यहाँ पंचवक्ता अजान ही होती है। अलबत्ता दो या चार लोग नमाजी वो नमाज अदा करके यहाँ निकल जाते हैं। ठीक, ये पूरा बाज़ार है जो हमेशा आबाद रहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से वीरान है। मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे जो ये मुख्य बस स्टैंड की ओर से ये ढलान गली है वो मुख्य बस स्टैंड तक जाती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये भी पूरी तरह से सुनसान है। अब मैं आपको आगे की तस्वीर और दिखाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहे। मैं ठीक जैतान निमाज मार्ग पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और ठीक सामने दाल मिल गायत्री मंदिर इलाका की मुख्य रोड है। ये वही रोड है जिस रोड से गायत्री मंदिर तक पहुंचा जा सकता है और ठीक सामने ये निम्बाज मार्ग है और मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये जैतान शहर का मुख्य बस स्टैंड है। ये भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, आमतौर से आम दिनों में भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण आज ये पूरी तरह से वीरान है। यहाँ विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकें भी है, लेकिन वो बैंकें भी इस समय जिस समय ये वीडियो शूट किया जा रहा है उस समय तक ये पूरी तरह से वीरान है। हम हमारा पूरा प्रयास रहा हम आपको जैतान के प्रमुख चौराहे और प्रमुख जगह जो हमेशा आम तौर से व्यस्त रहती थी वो तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास किया। हालांकि लोग एवं मेरे शुभचिंतक मेरी और मेरे कैमरामैन की हमेशा स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता करते हैं कि कहीं आप कोरोना की चपेट में न आ जाओ, लेकिन हजारों लोगों की दुआएं एवं आशीर्वाद है, उनका स्नेह है कि हम अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। हम लगातार इस जैतान शहर के जो हालात है, जो लॉकडाउन की स्थिति में जो हालात बन रखे हैं, वो हालातों की वीडियो हम लगातार आप तक अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहे और हमारे जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। जो पास में बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ इस जैतान न्यूज़ के लिए धन्यवाद। देखते रहे जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल।